अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अदनान और तुसा दे पे अदनान लग लो। अतौले खान तू एंकर पूछा भी खान साहब थारे वास्ते सब तू औखा टाइम केड़ा है। अतौले खान आके कि मेरा सब तू औखा टाइम 24 साल तू घिन के 32 साल की उम्र आई। एंकर बड़ा परेशान थे भी लाले का जवाब बड़ा अजीब था रे। हालांकि अतौला खान ये गल भी आख सकता है कि मेरी यानी कि औखा टाइम गुरबत आई या मेरा औखा टाइम यानी कि जान का दीदार करना आई। लेकिन अतौले खान बड़े सिंपल जे जवाब दिता चाह कि भाई मेरा सब तू औखा टाइम 24 साल तू गिन के 32 साल दिए जाए। जी हाँ, अज इस बारे में गल करे कि अतौले खान ये गल क्यों आखी और अतौले खान को फास्ट ऑफ लव जल इतने आई अतौला खान सारा तो पहलू केड़ा काम करना है यानी कि मशहूर होने तो पहलू केड़ा काम करना है। जी हाँ, गल ये भाई मरका वीडियो को लाइक कराया चा, चैनल को सब्सक्राइब कराया चा और बेल आइकॉन को प्रेस कराया चा। 19 अगस्त 1951 को लाला ईसा ख्याल दे विच पैदा थे। बेसिक ईसा ख्याल दे जिला मियाँ अली दे लाला जनाब अली पाकिस्तान दे विच लैजेंड आखा वे ने और अतौला खान लैजेंड इस वही तो आखा वे ने। अतौले खान जनाब अली 50,000 एल्बम रिलीज़ किया सराकी जबान दे विच आडियो वीडियो केस्टों तमाम गाने यानी कि 50,000 गाना रिलीज़ किया और गिनीज वर्ल्ड बुक दे विच उसका नाम है। जी हाँ, अतौला को फास्ट ऑफ लव जल थे वो अपनी कज़न नाल थे आई और कज़न इसको इग्नोर कर छोड़ा है। अतौला खान मशहूर थे तो पहलू एक आम इंसान है बिल्कुल यानी कि अतौला खान पढ़ता होना है अपनी पढ़ाई के दौरान आदि स्कूल जल्द मुहब्बत थी आई ना अपनी कज़न नाल। मुहब्बत इन थी है कि अतौला खान का आज पाकिस्तान दे विच एक नाम है और ना इन एक विकीपैड एक रिपोर्ट बनती है जी तमाम सेलिब्रिटियां की रिपोर्ट बनानी है जे विकीपैड उस उत्ते तमाम हिस्ट्री दिसने उस हिस्टरी के लिखा वे कि अतौला जनाब अली अपने फास्ट ऑफ लव जरा किया ना अतौले को यंग एज आई और एज आई जनाब अली 24 साल 24 साल की एज तो कहने के अतौला खान 32 साल की एज के घरों निकल गया। उस तो बाद बाहर निकले घर तो बहर वज के जनाब धिके खाधे धिके खाने बाद कंडक्टरियां कीतियां कंडक्टरों बाद ड्राइवरियां कीतियां वेटरियां कीतियां वेटरां दे काम भी कीते मुंशियां दा काम भी कीता और ईवन के इस तो अलावा मजदूरी भी कीती। एक खास एंड इंटरव्यू दे एंड ते गल्लां दसणा जिहड़े बहुत सारे बंदे ये इंटरव्यू स्किप कर रहे हैं। जी हाँ, अतौला खान जनाब लगता है कि मैं वेटरी भी कीती है कंडक्टरी भी कीती है ड्राइवरी भी कीती है एज उस टाइम मेरी 24 साल आई 24 साल तो बाद जनाब अली मेरे नाल ये हालात थिमना शुरू थी गए 32 साल तक आता मैं बहुत औखा थे जल्द 32 साल एज पहुँचा तो मेरे बहुत सारे गाने यानी कि वायरल थिमना शुरू थी गए और बहुत कुछ मेरे को हासिल थिमना शुरू थी गया है। जी हाँ, बहुत कुछ मेरे को हासिल थिमना शुरू थी गया है। इस तरह अतौला खान एड भी दसैन है कि मैं जनाब पहले जल्द 32 साल तो बाद यानी कि मेरी जिंदगी स्टार्ट थी है ना यानी कि मेरी जिंदगी भार और मेरी जिंदगी खुशियाँ आना शुरू थी गई तो मेरे को बहुत कुछ अचीव थी गया उन्हें और मैं इस दे बावजूद अपनी जिंदगी को मूवमेंट ना दे सकता जेरी कि यानी कि मोहब्बत वाला मूवमेंट होना है। उसकी बेसिक वजह यह उन्हें कहता कि मेरे को जल्द जिस टाइम रिजेक्ट कर छोड़ा आई यानी कि मेरे को एक्सैप्ट नस किया सिर्फ और सिर्फ मेरे खानदान की इवज़ के तू एक यानी गुलकार है या तू एक सिंगर है इस इवज़ नहीं सिर्फ इस बेस से कि मैं उस टाइम थोड़ा जहाँ गरीब हम और मेरे हालात भी अच्छे ना इस बेस से बर अतौला इस टाइम आता है कि मैं अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला कि मेरे होने इस टाइम मैं बहुत अच्छे हालात चाँ और बहुत खुश हाँ खास अलहमदुल्ला हूँ मैं बहुत खुश हाँ और मेरे हालात बहुत बेहतरीन हैं। अतौले खान को पाकिस्तान के लाले का खिताब क्यों पाकिस्तान के डूब बना लाले का खिताब दिया गया। लाला सराकी जबान का लफ्ज़ है जिस मुअद्दबाना अल्फाज में इस्तेमाल किया वे ने पाकिस्तान के डूब बना को। जी हाँ, डूब बना को पहला बंदा शाहिद अफरीदी है दूजा बंदा अतौला खान ईसा ख़ैलवी है। अतौला खान ईसा ख़ैलवी को पहला खिताब डे उस तो बाद लाला को इंतखाब डे। दरअसल शाहिद अफरीदी को उस टाइम इंतखाब लाले दड़े आई जिस टाइम शाहिद अफरीदी इंडिया के खिलाफ मैच खेलता पे और बे यानी कि मैच बड़ा फंसा होया आई और लाले यानी कि अफरीदी खलो के जनाब पहले इंडिया को टाई चा उस तो बाद शाहिद अफरीदी को लाले का खिताब ढूंढना शुरू थी गया है। लेकिन अतौले खान को लाले का खिताब इस वजह से ढी गया है क्योंकि अतौले खान को जनाब अली एक सिर ते पठाना वाला पगड़ा उस तो बाद लाचा
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਖੇੜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਇਸਾ ਖੈਲ ਵੀ ਆਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਕੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਕੋ ਲਾਲੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਆਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰੈਕੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਆਫ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਥਈ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕੁਈਨ ਅਲਿਜ਼ਬਥ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਕੋ ਕੁਈਨ ਆਫ ਅਲਿਜ਼ਬਥ ਜਨਾਬ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਮਸ ਆਈ। ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਬ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਲਾਲੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੂ ਆਖਾ ਵੇ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਸਾਇਆ ਵੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਓਲਡ ਐਲਬਮ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ ਚੀਰਾ ਵੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਏ ਸੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਵੇ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਹ। ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਕਣ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਕਣ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਲ ਸਿੰਗਰਾਂ ਕਣ ਕੌਣ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਕਣ ਸਿੰਗਰ ਹਨ। ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰ 70 ਤੋਂ ਕਰਾਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤਾਉਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।